हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस स्ट्रीम। तो आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, ये है लिमिट्स के ऊपर, जो कि हमारे पास बेसिकली क्लास 11, 12 आईआईटी जेईई और साथ ही साथ बीकॉम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिट्स क्या है और लिमिट्स में हमें किन-किन चीजों के ऊपर डिस्कस करना होता है, और साथ ही साथ आज के इस टॉपिक में हम लोग ये भी जानेंगे कि लिमिट्स का मतलब होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ये वर्ड लिमिट, उसका डेफिनेशन क्या होता है। प्रॉपरली आप लोग सभी जानते हैं कि लिमिट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा बाउंड्रेशन जिसे क्रॉस नहीं किया जा सके। ये तो हमारे पास नॉर्मल लैंग्वेज में बात हुआ, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है, देखिए। A function f(x) is said to tends to limit L when x tends to a from left and from right if left hand limit is equals to right hand limit is equals to fixed finite quantity. इट मींस कि लिमिट हमारे पास कुछ भी दिया रहे उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलना चाहिए, मतलब कि वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका लिमिट निकालना है तो वो फाइनाइट क्वांटिटी ही निकलेगा, नॉट डिफाइंड नहीं निकलेगा। इट मींस इनफाइनाइट क्वांटिटी नहीं निकलना चाहिए, चाहे उसे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें चाहे उसे राइट हैंड साइड से सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मान लीजिए कि ये हमारा, ठीक है, राम नाम का एक पर्सन है और ये हमारा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये हमारा इंडिया, ठीक, और ये हमारा पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। राम को जाना है इसके पास, तो क्या राम क्रॉस हो सकता है? राम रहता है इंडिया में और उसे जाना है पाकिस्तान, इट मीन्स राम यहां से क्रॉस कर सकता है क्या? देखिए जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि राम के लिए ये जो बाउंड्री है, ये जो हमारा एरिया है, ये जो बॉर्डर बनाया गया है, ये उसका लिमिट है। मतलब कि हर एक चीज का, हर एक पर्टिकुलर चीज का कुछ ना कुछ लिमिट है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी का कैपेसिटी है 2 लीटर पानी का या 10 लीटर पानी का, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि एक बाल्टी है, उस बाल्टी का कैपेसिटी है 10 लीटर वाटर का, तो क्या वो 10 लीटर से ज्यादा उसमें ले सकता है? पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हमारे पास होता है कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ लिमिट होता है। हर एक चीज का, कोई भी काम करिए, कोई भी पर्टिकुलर चीज करिए, सब चीजों का क्या होता है, एक लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि लिमिट का मतलब हम लोग समझे कि लिमिट का मतलब होता है एक ऐसा बाउंड्री, एक ऐसा बाउंडेशन जिसे क्रॉस नहीं करना है, और साथ ही साथ हमें हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स आने चाहिए। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमारा कोई भी लिमिट का फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका लिमिट निकालना है तो उसका आंसर हमारे पास कुछ ना कुछ आना चाहिए, नॉट डिफाइंड टर्म नहीं आने चाहिए। तो ये तो हुआ लिमिट के बारे में। अब यूजुअली लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं, देखिए। लिमिट इज डिनोटेड बाय आइदर लिम या बहुत जगह पे एलिन से भी डिनोट किया जाता है। ये हम लोग डिनोट करने का कॉन्सेप्ट है, आइदर लिम या एलिन से इसको डिनोट करते हैं। और इसे हम लोग लिखते कैसे हैं, देखिए। लिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो है इस तरह से, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, ऑफ एफ एक्स। मान लीजिए फंक्शन लिए, देखिए यहां पे ये जो आया हमारे पास, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टेंड्स टू। क्या बोलते हैं? टेंड्स टू। सर टेंड्स टू का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको इंग्लिश में इसका मीनिंग पता है कि टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, पर लिमिट के टर्म में इसका मतलब क्या होता है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो टेंड्स टू का एक और मतलब होता है, हम लोग उसको बोलते हैं क्लोज टू, या इसे हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, नियर बाय, ठीक है। इन, ठीक है, ये तो हमारे पास टेंड्स टू का मतलब हुआ कि टेंड्स टू का मतलब होता है क्लोज टू या नियर बाय, ठीक है, या इसे अप्रोचेस भी बोला जाता है, बहुत जगह पे इसे अप्रोचेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे पास हुआ टेंड्स टू का मतलब।
पर सर मैथमेटिकल टर्म में एक्चुअल मतलब क्या होता है टेंस टू का, यानी कि हमारे पास यहां पे जो टेंस टू का मतलब क्या हुआ। तो देखिए अगर हम लोग यहां पे मतलब लिखे टेंस टू का, तो टेंस टू का मतलब हम लोग बोलते हैं कि x इज वेरी क्लोज टू a, नॉट कंप्लीटली इक्वल टू a, नॉट complete equals to a, मतलब कि tends to का जो मतलब होता है हमारे पास वो होता है कि x का वैल्यू a के बहुत क्लोज है, बहुत ही ज्यादा क्लोज। बहुत ज्यादा क्लोज बोलने का मतलब क्या होगा कि एकदम माइनर सा डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बीच में डिफरेंसेस होना चाहिए, ठीक है। x tends to a का मतलब हुआ कि x is very 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 close to a, not completely equals to a। क्या बोले, x is very 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 close to a, not completely equals to a। तो अगर इसी को numerically अगर हम लोग explain करें या numerically देखें, just for example मान लीजिए इसी को हम लोग numerically देख रहे हैं, x tends to एक number ले लेते हैं 5, चल x tends to 5 ले लिए। अब इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि x not equals to 5 होगा, ठीक है, कंप्लीटली इक्वल नहीं होगा, बल्कि x क्या होगा, क्लोज टू 5 होगा। क्लोज टू 5 होने का मतलब होता है हमारे पास दो साइड से कोई भी वैल्यू क्लोज होता है, इसे रफ कर दे रहा है, कोई भी वैल्यू हमारे पास दो साइड से क्लोज होता है, ठीक है। दो साइड से क्लोज होने का मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप लोग स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप लोग टीचर के क्लोज हैं पॉजिटिव साइड से, वही जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं बदमाशी करते हैं वो क्लोज है नेगेटिव साइड से। मतलब कि जब भी टीचर को किसी का नाम लिया जाएगा कि श्याम नाम का लड़का बहुत बदमाश है, श्याम है वो, तो क्या हुआ, टीचर के दिमाग में उसका एक इमेज बनी, अरे वो बहुत बदमाशी करता है, ठीक है। तो क्लोज हमारे पास दो तरह से होते हैं, एक पॉजिटिव साइड से और एक नेगेटिव साइड से। उसी पॉजिटिव नेगेटिव को हम लोग नाम देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, देखिए x टेंड्स टू 5 है, यानी कि लेफ्ट साइड से क्लोज का मतलब हुआ 4.99999 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड से क्लोज हुआ। राइट साइड से क्लोज का मतलब हुआ था x 10 x इज इक्वल्स टू 5.0111 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। मतलब कि लेफ्ट साइड से क्लोज होने का मतलब होता है कि हमारे पास 4.999 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक, मतलब कि ये 5 के बहुत क्लोज है। राइट साइड से मतलब हुआ कि 5.01, कभी 5.1 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 5.1 बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया, तो हम बोले थे कि बहुत क्लोज होना चाहिए। बहुत क्लोज मतलब कि एकदम माइनर सा उसमें चेंजेस होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें 0.01 का चेंजेस है और इसमें भी 0.01 का ही चेंजेस है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से क्लोज का मतलब हुआ। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले लिमिट को लिखते कैसे हैं, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले लिमिट को हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव ऑफ fx, ऊपर में सिर्फ इंडिकेशन दिखाते हैं माइनस का, और राइट साइड वाले लिमिट को हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव ऑफ fx, ठीक है। ये इंडिकेशन दिखाते हैं हम लोग राइट साइड वाले का, तो यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का लिखने का मतलब हम लोग समझ लिए, ठीक है। ये हमारे पास होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हमारे पास होता है राइट हैंड लिमिट। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट को भी डिनोट करने का कॉन्सेप्ट बताएं आपको, और राइट हैंड लिमिट को भी डिनोट करने का कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं। ये तो हुआ हमारे पास इसका बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब बात करते हैं कि लिमिट क्या है। तो देखिए ये जो हमारा लिमिट है इसमें एक वर्ड यूज किया गया फंक्शन है, ठीक है। लिमिट क्या है, एक तरह का फंक्शन है, ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए, डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए, मतलब कि एग्जिस्ट करता हुआ फंक्शन होना चाहिए, नॉन एग्जिस्ट फंक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कि लिमिट हमारा हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस इसमें नहीं चलेगा, मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड है नॉन एग्जिस्टेंस। अगर इसमें कोई भी फंक्शन नॉन एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो लिमिट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हम लिए एक फंक्शन, ठीक है, लिमिट हमारा एक फंक्शन है। चलिए एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट का मतलब समझाते हैं यहां पे। अगर मान
लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया यहां पे fx equals to x square minus 16 divided by x minus 4 और हम आपको बोले यहां पे भी पुट कर दीजिए पुट x equals to 4 चलिए x equals to पुट करेंगे 4 यानी कि f of 4 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 ठीक है इट मींस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 यानी हमारे पास आ गया 0 बाय 0 अब देखिए ये जो हमारे पास 0 बाय 0 है ये क्या है नॉट डिफाइंड ठीक नॉट डिफाइंड फंक्शन हो गया ठीक और हम क्या बोले थे कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फंक्शन लेते हैं तो वो हमें डिफाइन दिखाना है नॉट डिफाइन नहीं दिखा सकते हैं तो यानी कि ये तो नॉट डिफाइन आ गया मतलब कि यहां पे तो फंक्शन नॉट एग्जिस्ट हो रहा है फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट पर हम क्या बोले थे कि कोई भी क्वेश्चन हो लिमिट के फॉर्म में या कोई भी फंक्शन हो उसे हमें लिमिट में एग्जिस्ट करते हुए दिखाना है तो एग्जिस्ट करते हुए दिखाना है तो हम लोग कैसे करके उसे एग्जिस्ट करता हुआ दिखाएंगे ठीक तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए हम लोग फिर से यहां पे देख लेते हैं या फिर यहां पे रफ करके देख लेते हैं एक बार कि कैसे करके होगा ऊपर वाला पार्ट रफ कर देना आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग नॉर्मली अगर कोई भी फंक्शन को हम लोग एग्जिस्ट करना दिखाएंगे तो कैसे करके हम लोग एग्जिस्ट करता हुआ दिखाएंगे उस चीज के ऊपर ही ध्यान देना है ठीक है ये हमारे पास दिया हुआ है अब इसी क्वेश्चन को हम फर्दर यहां ले लेंगे fx equals to x square minus 16 divided by x minus 4 अपने पास पुट करना है यहां पे x equals to 4 अब हम लोग क्या करेंगे ना इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे इनडायरेक्ट वे में वैल्यू को पुट करेंगे देखिए कैसे करते हैं x square minus 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x minus 4 यानी कि x plus 4 x minus 4 a minus b a square minus b square का फॉर्मूला लगा दिए ठीक है ये कट गया हमारे पास अब हमारे पास fx का वैल्यू आया x plus 4 अपने पास दिया हुआ है x का वैल्यू 4 यानी कि 4 plus 4 it means 8 is the answer मतलब आप लोग यहां पे नोटिस करिए कि एक ही क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू बैठाने से वो क्या हुआ था नॉट डिफाइन हुआ था एक ही क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू बैठाने से वो नॉट डिफाइन हुआ था उसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में वैल्यू बैठाएं तो वो क्या हो गया डिफाइन हो गया मतलब कि हमारे पास जो कांसेप्ट है लिमिट का वो यही कांसेप्ट है कि किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू बैठाने से अगर वो नॉट डिफाइन आता है तो उस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और उस सॉल्यूशन के थ्रू उसमें से उस वैल्यू को ओमिट कर देना है जिससे वो नॉट डिफाइन हो रहा है क्या बोले एक बार फिर से रिपीट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट वैल्यू बैठाने से वो नॉट डिफाइन आता है तो उस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और उस सॉल्यूशन के थ्रू उसमें से उस वैल्यू को हटा देना है जिससे वो नॉट डिफाइन हो रहा है ठीक है तो सर आप तो ये क्वेश्चन को फंक्शन के टर्म में बताएं अब इसी को अगर लिमिट के टर्म में लिखना हुआ तो देखिए बहुत सिंपल है हम लोग इसी क्वेश्चन को लिमिट के टर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे इसमें पुट x इक्वल्स टू 4 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 यानी कि 0 बाय 0 तो यानी कि जैसे 0 बाय 0 हुआ हम लोग यहां पे लिखना पड़ेगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये लिखना पड़ेगा पर हम क्या बोल रहे थे कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ लिमिट होता है जैसे मान लीजिए आप रास्ते के बीच से चल रहे हैं पर रास्ते के बीच से चलना आपका लिमिट है आप साइड से ही चल सकते हैं ठीक हम लोग ट्रेन को सड़क पे नहीं चला सकते हैं उसके लिए पटरी होना जरूरी है वो उसका लिमिट है फ्लाइट को पानी में नहीं चला सकते उड़ा सकते हैं ठीक है वो उसका लिमिट है तो हर चीज का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है ठीक है आप अब पढ़ रहे हैं 12 क्लास 11 क्लास 10 में हम बोले आप बीटेक का सम बनाइए ये आपके लिए लिमिट है तो ये सभी चीज क्या है लिमिट है आपके लिए ठीक है तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं तो देखिए फिर से उसी क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 x square minus
4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 4 यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 4 x प्लस 4 x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 कट गया ये हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये लिमिट हट जाएगा यानी कि 4 प्लस 4 यानी आया 8 ठीक है यहां पे लिख दीजिएगा कि put x equals to 4 ठीक है क्योंकि सिंपल सा चीज है अगर हमारे पास 0 पॉइंट ठीक है अगर हमारे पास 4.01 लिखा हुआ है तो इसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट 4 ठीक है अप्रोक्स इसे हम लोग 4 बोल सकते हैं तो वही काम किया हम यहां पे ठीक 4 ले लिए इसको अगर ये 3.99 में लिखा हुआ है उसे भी हम लोग अप्रोक्स कंसीडर करते हैं 4 तो ये चीज था हमारे पास लिमिट का बेसिक कांसेप्ट कि लिमिट हमारे पास होता क्या है और लिमिट्स में हमें किन-किन चीजों को ऊपर डिस्कस करना है तो ये तो था हमारे पास बेसिक कांसेप्ट कि कोई भी क्वेश्चन को अगर हम लोग डायरेक्टली डिवाइड करते हैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने से अगर वो नॉट डिफाइन आता है तो उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और उस सॉल्यूशन के थ्रू उसमें से उस वैल्यू को हटा देना है जिससे वो नॉट डिफाइन आ रहा है तो ये हम लोग यहां पे देखें लिमिट के बेसिक कांसेप्ट के बारे में अब हम लोग कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका रूल्स क्या है जिसके ऊपर हम लोग जानेंगे कि कैसे करके लिमिट वर्क करता है तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग रूल्स के बारे में भी देखते हैं तो आइए डिस्कस करते हैं लिमिट्स के रूल्स के ऊपर कि रूल्स क्या है हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स है जिसमें सबसे पहला नंबर रूल्स है कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) अगर दिया हुआ है अगर मान लीजिए इन केस किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू बैठाने से आंसर आ जाता है तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू को बैठा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बिना हेजिटेशन के आप लोग डायरेक्ट वैल्यू बैठा के आंसर निकाल सकते हैं पर बेसिकली ये आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू बैठा के दे दिया तो बहुत इजी हो जाएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ रूल्स है हमारे पास कि अगर किसी भी लिमिट में डायरेक्ट वैल्यू बैठाने से आ सकता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिए लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर प्लस 4 तो हम लोग देख रहे हैं कि नॉट डिफाइन नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली पुट x इक्वल्स टू 2 लिख देंगे इसमें यानी कि 3 इनटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 12 प्लस 4 यानी कि 16 इज द फाइनल आंसर तो ये हो गया रूल्स नंबर 2 जो हमारे पास आता है वो है लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) प्लस माइनस g(x) अगर दो अलग-अलग फंक्शन है दो अलग-अलग फंक्शन है तो लिमिट को हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) प्लस और माइनस प्लस के लिए और माइनस के लिए दोनों के लिए सेपरेट होता है लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ g(x) ठीक दो अलग-अलग फंक्शन है यहां पे ग्राफ लिख दीजिए वेयर f(x) एंड g(x) आर टू फंक्शन ठीक है ये हो गया हमारे पास दूसरा रूल्स रूल्स नंबर 3 जैसे ये था ना हमारे पास देखिए दो अलग-अलग फंक्शन हम लोग लिमिट इसके लिए भी कर सकते हैं इसके लिए भी कर सकते हैं तीसरा नंबर जो रूल्स आता है हमारे पास वो है लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ k वेयर k इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही होगा वेयर क्यों होगा बताते हैं देखिए k इज अ कांस्टेंट कांस्टेंट का लिमिट इसलिए कांस्टेंट होगा हमेशा क्योंकि हमारे पास वैल्यू पुट करने के लिए x का वैल्यू पुट करने के लिए x होना भी चाहिए पर यहां पर x का ही नहीं है तो इसी रीजन के वजह से कांस्टेंट का लिमिट हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं कांस्टेंट अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है अल्फाबेटिकल वैल्यू हो सकता है कुछ भी हो सकता है वो कांस्टेंट ठीक है चौथा नंबर जो हमारे पास रूल्स आता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ कांस्टेंट ऑफ f(x) अगर दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल के लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) कर सकते हैं अतः हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा पांचवा नंबर जो लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) * g(x)
अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो लिमिट मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेपरेट होता है. इट मींस लिमिट एक्सटेंड्स टू a ऑफ fx इनटू लिमिट एक्सटेंड्स टू a ऑफ gx, मतलब दोनों के लिए ही सेपरेट कर सकते हैं हम लोग यहां पे फंक्शन को. ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास. और लास्ट सिक्स नंबर जो रूल्स है वो है लिमिट एक्सटेंड्स टू a ऑफ fx डिवाइडेड बाय gx. ठीक है, ये हमारे पास है. यानी कि इसके लिए भी सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड के लिए भी. लिमिट एक्सटेंड्स टू a ऑफ fx डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंड्स टू a ऑफ gx. बट यहां पे कंडीशन याद रखिएगा, बट gx नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए हमारे पास. gx का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. तो ये तो था हमारे पास लिमिट का बेसिक कांसेप्ट. थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं कि लिमिट जो हम लोग स्टार्ट किए हैं उसको टोटल चार सीरीज में पढ़ेंगे हम लोग. पहले पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे. बेसिक पार्ट के ऊपर डिस्कस करने का मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पे बेसिक चीजों के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे कि हमारा बेसिक क्या है और बेसिक टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे-कैसे होते हैं, उन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे. मतलब कि बेसिकली इस पार्ट में हम लोग ये बेसिक पार्ट के ऊपर डिस्कस कर लिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे. सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट के फार्मूला के ऊपर और ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट के ऊपर. इट मींस लिमिट हमारा ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो सेकंड पार्ट हमारा फार्मूला होगा और ट्रिग्नोमेट्री होगा. और थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट लिमिट के बारे में, इनफाइनाइट लिमिट क्या होता है. एंड देन फिर फोर्थ पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर. मतलब कि आपका ये जो कंप्लीट सीरीज हम देने वाले हैं आपको लिमिट में, वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. आपको इस पे एक रुपए का भी पे नहीं करना पड़ेगा और आप लोगों का पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट. इसे नोट डाउन करने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने तरह का क्वेश्चन है. पर उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है. देखिए बेसिकली हमारे पास ये जो बेसिक पार्ट है इसमें टोटल चार तरह के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, टोटल चार पैटर्न का क्वेश्चन होता है. एक तो हमारे पास बेसिक मतलब कि मिड टर्म, ठीक है, एक हमारे पास मिड टर्म होता है, दूसरा हमारे पास रैशनलाइज होगा, ठीक है, तीसरा हमारे पास डिवाइड होगा, ठीक है, और चौथा हमारे पास फॉर्मूला होगा. ठीक है, रैशनलाइज का मतलब आप लोग समझ गए कि अगर कोई भी क्वेश्चन रूट में दिया हुआ है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे सेम बट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड. ठीक, मिड टर्म फैक्टर आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को मिड टर्म करके उसके वैल्यू को निकालेंगे. फॉर्मूला अभी अभी देखे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी चीजों का फॉर्मूला यूज करेंगे. और डिवाइड, डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे कि अल्फाबेटिकली अगर हम लोग जो डिवाइड निकालते हैं, नॉर्मली अभी तक तो हम लोग न्यूमेरिकल डिवाइड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं पर हम लोग अल्फाबेटिकल डिवाइड भी पढ़ के आए हुए हैं जूनियर क्लासेस से. तो जूनियर क्लासेस से इस तरह का डिवीजन तो हम लोग जानते हैं पर अल्फाबेटिकल डिवीजन भी होता है. जैसे लाइक x माइनस 1 से डिवाइड करना है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, इस तरह के डिवीजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सीरीज. आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन कितने तरह का होता है. चार क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स और चार डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आप लोग चारों क्वेश्चन को देखिएगा और आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लिमिट का इस तरह का पार्ट का. तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन. तो आइए क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास. सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4. हम लोग सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2 यानी कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 4 यानी कि हमारे पास हो गया 3 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 2 क्या डायरेक्ट 12 कर दीजिए इसको डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4
यानी कि आया हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म यानी कि जैसे 0 बाय 0 आया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर दिया पर हमें क्या कराना है इसे एग्जिस्ट कराना है तो एग्जिस्ट हम लोग कराएंगे कैसे देखिए इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आपको एग्जिस्ट कराने के लिए हम लोग इसका मिड टर्म निकालेंगे देखिए मिड टर्म पॉसिबल हो रहा है यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 ऊपर में है 3x स्क्वायर 3 * 10 करके हो जाएगा 30 और माइनस करके लाना है हमें 1 ठीक है मिड टर्म का कांसेप्ट आप लोगों को पता है कि 3 * 10 किए तो हो गया 30 और माइनस करके लाना है हमें 1 तो हम लोग कैसे करके लेके आएंगे इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा तो यानी कि 3 से 30 को 10 को मल्टीप्लाई किए तो 30 हो गया हमारे पास यानी कि चलिए 30 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए कि माइनस करने से आ जाए हमारे पास 1 और मल्टीप्लाई करने से आ जाए हमारे पास 30 यानी 6 into 5 होता है 30 और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 यानी कि लिखेंगे यहां पे 6x plus 5x minus 10 divided by देखिए a square minus b square का कांसेप्ट यहां पे आ जाएगा ठीक है यानी कि हो गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 3 और x कॉमन लिए तो आया हमारे पास x minus 2 और plus 5 कॉमन लिए तो आया x minus 2 divided by x plus 2 x minus 2 यानी कि फाइनली हमारे पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x minus 2 3x plus 5 divided by x plus 2 x minus 2 ये कट गया हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 into 2 का 2 plus 5 divided by 2 plus 2 यानी कि 3 to 6 plus 5 11 by 4 is the final answer तो ये तो था हमारे पास पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है सेम इसमें भी वैल्यू बैठाने से आपका नॉट डिफाइनिंग आएगा क्योंकि देख लीजिए 0 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर मतलब हो गया 1 और फिर माइनस 1 0 हो गया मतलब नीचे डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो ऐसे ही नॉट डिफाइन दिखा रहा है यानी कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 नीचे वाले में से कॉमन लिए x यानी x माइनस 1 आया फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहां भी x कॉमन लिए तो हुआ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 यानी फाइनली हमारे पास आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट में x माइनस 1 और फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाय मिड टर्म निकालिए इसका मिड टर्म निकालेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 यानी फाइनली हमारे पास उसका मिड टर्म आया लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट में x माइनस 1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 डायरेक्ट कर दिए इसको आपको निकाल लीजिएगा देखिए दोनों में से ये कॉमन हो रहा है कॉमन निकाल लीजिए इसको साथ में x भी कॉमन हो रहा है यानी कॉमन हो रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे यानी कॉमन निकालेंगे तो अपने पास 1 by x ब्रैकेट में x minus 1 कॉमन आया बचा हमारे पास x minus 2 डायरेक्टली खाली बस ठीक है और माइनस में 1 डिवाइडेड बाय x minus 2 ही बच रहा है यहां पे भी ठीक है तो चलिए LCM ले लीजिए इसको इसको क्लोज कर देते हैं यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 1 by x ब्रैकेट में x minus 1 LCM ले रहा है तो मल्टीप्लाई हो जा रहा है यानी कि हो जा रहा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ठीक है अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 1 डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट में x माइनस 1 देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 3 मिड टर्म निकालेंगे तो हो जाएगा यहां पे भी x स्क्वायर माइनस हमारे पास बच रहा है 3 और लाना है 4 यानी कि 3x माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ये हो गया
अब इसका भी वैल्यू निकलेगा तो हमारे पास आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 1 डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट में x माइनस 1 कॉमन जा रहा है इसमें से भी तो बच रहा है x माइनस 3 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो गया डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए चलिए यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यू को देखिए सब्स्टिट्यूट करें तो 1 बाय x है तो 1 बाय 1 into यहां पे हमारे पास 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 हो रहा है यानी कि हमारे पास आ रहा है माइनस 2 बाय माइनस 1 यानी कि कट गया यानी कि 2 इज द फाइनल आंसर तो ये तो था हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन का कांसेप्ट कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं देखिए यूजिंग मिड टर्म फैक्टर आराम से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये तो था हमारे पास टाइप 1 टाइप 2 के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग रूट वाला ले लेते हैं एक रूट वाले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं देखिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट तो आइए डिस्कस करते हैं रूट वाले क्वेश्चन में देखिए रूट वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कांसेप्ट लगाना है वो है रैशनलाइजिंग यानी कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से नॉन डिफाइन आ रहा है आप देख लीजिएगा इसको हमारे पास क्वेश्चन में है ये ठीक है 2x + 3 और 4x - 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर या फिर चलिए कुछ देर के लिए इसको रहने ही देते हैं 9 रूट का जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग करेंगे रैशनलाइज रैशनलाइजिंग का मतलब होता है सेम बट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना सेम बट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती है ठीक है यानी कि फाइनली हमारे पास हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3 a माइनस b a प्लस b इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर इट मींस रूट कैंसिल हो जाएगा माइनस b स्क्वायर ठीक है डिवाइडेड बाय देखिए यहां भी फॉर्मूला हो रहा है a प्लस b a माइनस b और मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 4x माइनस 3 देखिए आ क्या रहा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 यानी फाइनली यहां पे है 2x प्लस 3 माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 3 और रूट में 2x प्लस 3 प्लस रूट में 4x माइनस 3 यानी कि फाइनली हमारे पास यहां पे माइनस हो जा रहा है यानी कि बच रहा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 2x में से 4x निकलेगा यानी माइनस 2x बचेगा माइनस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 3 और यहां पे रूट ओवर 2x प्लस 3 प्लस रूट ओवर 4x माइनस 3 चलिए माइनस और 2 कॉमन ले लीजिए यहां से ऊपर वाले से लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस कॉमन लिए तो आया दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 3 रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 4x माइनस 3 यानी कि ये कट गया हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू को डाल दीजिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 फिर रूट वाले में डालेंगे यानी कि हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू 3 प्लस 3 और फिर प्लस रूट ऑफ 4 इंटू 3 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू ध्यान दीजिएगा देखिए 2 3 जा 6 प्लस 3 यानी कि रूट 9 4 3 जा 12 माइनस 3 यानी कि यहां पे रूट 9 यानी कि हमारे पास आ रहा है माइनस 2 2 से काट दीजिए इसको 3 जा यानी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इनटू 3 यानी कि माइनस 1 बाय 27 इज द फाइनल तो ये तो था हमारे पास रूट वाले क्वेश्चन का कांसेप्ट कि रूट में अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग उसको इस मेथड से सॉल्व करते हैं अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया
कि सर अगर ऊपर नीचे दोनों में रूट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को रैशनलाइज कर लेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे दिया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 समथिंग, कोई भी इक्वेशन हम ले रहे हैं यहां पे, ठीक है, टेंड्स टू नहीं मेंशन कर रहे हैं, मान लीजिए दिया √x + 1 डिवाइडेड बाय √x + x, अगर मान लीजिए ये इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे रैशनलाइज करेंगे √x -1 / √x -1, और यहां भी रैशनलाइज करेंगे √x - x / √x - x, मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों को ही रैशनलाइज करना है, दोनों को ही हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में रैशनलाइज करना है, यानी कि ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में रैशनलाइज किए और ये नीचे वाले के रिस्पेक्ट में रैशनलाइज किए। तो ये तो था हमारे पास रूट का क्वेश्चन का कांसेप्ट। अब हम लोग डिवाइड का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला हम लोग साथ ही साथ देखते हुए हैं, तो एक डिवाइड के क्वेश्चन का कांसेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग डिवाइड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं डिवाइड के क्वेश्चन, उससे पहले आप लोग से तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम लोग डिवाइड वाले क्वेश्चन के ऊपर कि डिवाइड के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे हम दो क्वेश्चन लिए हैं, एक डिवाइड और एक हमारा रूट में मिड टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं उसका कांसेप्ट हम आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिवाइड वाले क्वेश्चन में, हम लोग को सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास यही है कि हमें समझ में कैसे आएगा कि कौन से क्वेश्चन में डिवाइड अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम आपको एक छोटा सा बात बोलेंगे, बस उसे अपने दिमाग में बैठा लेना है। वो बात क्या है कि डिवाइड वाले क्वेश्चन में हमें समझने के लिए बस ये देखना है कि वो क्वाड्रेटिक को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक को फॉलो नहीं करेगा इट मींस उसे हम लोग को डिवाइड मेथड से अप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड मेथड से अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे x equals to 2 पुट करने से नॉन, ठीक है, 0 आ जाएगा, यानी कि x minus 2 equals to हम लोग 0 लिख लेंगे। अब इस x minus 2 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, देखिए रफ वर्क में करिएगा, ये डिवाइड करना है x cube minus 3x square plus 4, ये नॉन क्वाड्रेटिक टर्म है क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म आप लोगों सभी को पता है कि होता है ax square plus bx plus c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म होता है, यानी कि डिवाइड करने के लिए सबसे पहले जाएगा x स्क्वायर से, यानी x स्क्वायर इनटू x, x क्यूब फिर माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज कर दीजिए कट जाएंगे, यानी आया हमारे पास माइनस में x स्क्वायर प्लस में 4, फिर माइनस x, यानी माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x। अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि हम लोग यहां पे 4 में से 2x को माइनस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहां पे लिख लेंगे एज इट इज और माइनस 2 लेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। अब साइन चेंज करते ही हमारा ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि हो गया 0। पर अगर मान लीजिए आपको हम बोले कि हमको अगर यही चीज चाहिए, यही चीज अगर आपको लाना है तो आप कैसे लेके आओगे, तो आप लोग करना क्या है दिस इनटू दिस करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। नीचे तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास a का x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू x स्क्वायर इनटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला में आ गया, यानी कि फाइनली हमारे पास ऊपर का टर्म नॉर्मल और नीचे का टर्म फॉर्मल, फिर ऊपर में मिड टर्म होगा x माइनस 2, मिड टर्म निकालेंगे तो हो जाएगा x और ये हमारे पास हो गया डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया नीचे में, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 x कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहां हो जा रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दिया इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हमारे पास कट गया, वैल्यू को डाल दीजिए इसमें 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी 3 बाई 4 इज द 3 बाई 16 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मतलब डिवाइड बेसिकली आपको क्या लेना है कि आपको डिवाइड करके कैसे करके वैल्यू को निकालना और उसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास डिवाइडिंग का कॉन्सेप्ट आया। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो लोग क्लास 10th में
जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं तो अगर आप लोग के दिमाग में इसका कांसेप्ट नहीं आ रहा तो आप इसे बल थ्रू कर लीजिएगा आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीटली समझ जाएंगे कि किस तरह से करके हमें डिवाइड करना है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रूट का मिड टर्म निकालने का कांसेप्ट। चलिए देखिए कैसे रूट का मिड टर्म निकाला जाता है। रूट टू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स रूट टू माइनस एट, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, अब यहां पे हमें लेके आना है थ्री रूट टू, वो भी माइनस करके, और है हमारे पास एट। अब एट का यूज करके हम लोग कैसे थ्री रूट टू लेके आएंगे देखिएगा। इस एट को क्या करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ठीक है, पहला पार्ट हम लिखे फोर रूट टू और दूसरा लिखे रूट टू। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग फोर रूट टू इंटू रूट टू करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एट, और फोर रूट टू में से रूट टू को निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारे पास थ्री रूट टू। ठीक है, फोर रूट टू में से रूट टू को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास थ्री रूट टू। कैसे आएगा भाई, चार बार सेव है यहाँ पे, चार सेव है और माइनस एक सेव है, तो चार सेव में से एक सेव को निकालेंगे तो अपने पास बचेगा तीन सेव। इट मीन चार बार रूट टू है, एक बार रूट टू को निकालोगे तो तीन बार रूट टू। चलिए आइए अब क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, यहां हम लिखेंगे एक्स को बाहर, फोर रूट टू माइनस रूट टू और फिर माइनस एट को एज इट इज, यानी हमारे पास हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू और यहां हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स रूट टू प्लस एक्स रूट टू माइनस एट। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम यहां पर आपको नया सिखा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एज इट इज रहने दीजिए, इसको लिखे एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि रूट टू का होल स्क्वायर का मतलब होता है टू, यानी कि ये हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाई, यहां से कॉमन जा रहा है एक्स, तो आ रहा हमारे पास एक्स माइनस फोर रूट टू। ठीक है, और प्लस यहां से रूट टू कॉमन ले रहे हैं तो आ रहा हमारे पास एक सेकेंड एक्स माइनस फोर रूट टू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहां पे हमारे पास किस तरह से करके इसका वैल्यू को हम लोग सजाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट टू, एक सेकेंड आई थिंक हम कहीं पे हल्का सा मिस किए हैं, हमें चाहिए था माइनस में थ्री रूट टू। ठीक है, तो माइनस में थ्री रूट टू सही आया, हम लोग का बस आया, ठीक है आया ये। अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू को हम लोग कैसे करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस टू को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो गया एक्स प्लस रूट टू और फिर हमारे पास हो गया यहाँ पे एक्स माइनस फोर रूट टू। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को टेंस टू में गलत लिखे हैं, टेंस टू में आप लोग कर लीजिएगा एक्स टेंस टू माइनस रूट टू कर लीजिएगा, इसको माइनस रूट टू तो आपका क्वेश्चन एक प्रॉपर हो जाएगा माइनस रूट टू। ये हो गया हमारे पास एक्स टेंस टू माइनस रूट टू। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, डायरेक्ट वैल्यू बैठा दीजिए जो आएगा वही आंसर हो गया हमारे पास। माइनस रूट टू का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा टू प्लस टू, यहां पे करेंगे तो आएगा माइनस रूट टू माइनस रूट टू और डिवाइडेड बाय, नीचे में करेंगे तो माइनस रूट टू माइनस फोर रूट टू। इट मीन्स फोर और यहाँ पे टू, माइनस में एट रूट टू डिवाइडेड बाई माइनस में फाइव रूट टू, रूट टू रूट टू गया माइनस, यानी कि हमारे पास इसका जो आंसर आया वो आया एट बाई फाइव। तो ये है इसका
आंसर। तो देखिए बेसिकली हम लोग ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लिमिट का बेसिक पार्ट का। बेसिक पार्ट के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करके सॉल्व किए और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मूला। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट पार्ट, तो आप लोग मिस मत करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे फॉर्मूले के बारे में कि लिमिट का फॉर्मूला क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्ट।